कलेक्टर मंत्री ने एयर कंडीशनर बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पाली के राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में लंबी दूरी के सफर के चलते सवारियों के लिए सुविधा देखते हुए पाली रोडवेज डिपो की ओर से 4 वोल्वो बस उपलब्ध करवाई गई। पाली रोडवेज डिपो अधिकारी मोहनलाल मीणा की अध्यक्षता में उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री पहुंचे। मीणा ने साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। बसों के रूट की जानकारी लेते हुए बस में जाकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं का निरीक्षण किया। बस में सफर करने वाले यात्रियों को फूल देकर शुभकामनाएं दी। उसके बाद जिला कलेक्टर मंत्री ने भारतीय संस्कृति के अनुसार बस पर तिलक लगाकर मंत्र उच्चारण के साथ हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। पाली रोडवेज डिपो प्रबंधक मोहनलाल मीणा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूरे पाली संभाग में सिर्फ पाली डिपो को 4 एसी वोल्वो बस उपलब्ध करवाई गई है, जो 2 रूट पर चलेगी। ये जालौर से रवाना होकर पाली, पाली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली की ओर चलेगी। दूसरी बस जोधपुर से रवाना होगी, माउंट आबू चलेगी और रात को उदयपुर पहुंचेगी। इस एयर कंडीशनर वोल्वो बस में यात्रियों के लिए सुविधा रहेगी, साथ ही दिल्ली तक पहुंचने में समय की बचत होगी। वैसे कौन कौन सा रूट पे गई और कैसे चलेगी सर? हमने 2 गाड़ियां तो लगाई है पाली से दिल्ली जालौर और दो गाड़ी। काफी टाइम से मैंने ये चीज़ होती थी कि अपने सिरोही एक भी वोल्वो या ऐसी सेवा नहीं है, इसलिए हमने गाड़ी लगाई है। पर्यटकों के हिसाब से जोधपुर से सुबह 8 बजे रवाना होकर माउंट जाएगी, माउंट से उदयपुर जाके नाइट करेगी, दूसरे दिन उदयपुर से 7:15 रवाना होकर माउंट आएगी और माउंट से वापस जाएगी जोधपुर नाइट। 2 गाड़ी हमने उदयपुर माउंट चलाई है और 2 गाड़ी हमने दिल्ली जाने।